ओके आफ्टर दैट वट वी आर सपोज टू डू इज यहाँ पे हमने ऊपर थोड़ी सेटिंग्स कर ली थी अपनी ठीक है यहाँ पे हमने जनरल चेंज कर लिया जो हमने करना था प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो आपने सेव कर लिया है हैजिज में आप दोबारा जाके देख सकते हो अगर आप कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो यहाँ पे आपने सेव कर दिया है ठीक है थीम ऑप्शनस भी आपको क्लियर हो गए हैं थीम ऑप्शन में भी यू हैव क्लेरिफाइड यहाँ पे भी हम क्रॉस uh, कर देते हैं ठीक है डन देन वी आर हैविंग कि हाउ टू सेंड दिस पेपर इसको कैसे करना है तो यहाँ पे सेंड uh, का ऑप्शन आता है इस सेंड के ऑप्शन में जाके वट वी आर डू इज वट आई इज कि मैं यहाँ से लिंक लेती हूँ ये लिंक का ऑप्शन होता है यहाँ पे आता है कॉपी तो ये वाला लिंक मैं कॉपी कर लेती हूँ और वट आई इज मैं अपनी को आपको ही ई कर देती हूँ यहाँ से आई विल ई मेल टू माई सेल्फ ताकि मैं यहीं पर अभी आपको ओपन करके दिखा दूँ कि आओ वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू दिस तो वी आर गोइंग टू कम्पोज एंड सेल्फ ई मेल एड्रेस यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है एंड देन यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल वी वो लिंक यहाँ पर कॉपी हो गया देन ये हमने सेंड कर दिया फॉर्म हमारे को आ गया है ठीक है देन वी आर गोइंग टू ओपन इट फ्रॉम हेयर देन द टेस्ट विल भी ओपनड अब यहाँ पर क्या होगा मैंने टेस्ट uh, यहाँ पर अपना नाम लिखना है ठीक है बच्चे यूजली क्या करते हैं इस तरह से करके फटाफट से पेपर सॉल्व करके करेक्ट आंसर देखते हैं तो वो चीज़ नहीं हमने देखनी हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे ठीक है क्लास लिखनी सेक्शन लिख देंगे देन uh, हमारे पास हुई इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आई विल से रामनाथ कोविंद देन हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ मिस्टर मोदी ठीक है सबमिट किया है मैंने यहाँ से ये वाला ऑप्शन है मेरे पास वी हैव दिस ऑप्शन सबमिट देन वॉट विल हैपन यहाँ पे आएगा थैंक यू फॉर वेरिंग इन टेस्ट क्योंकि मैंने ये मैसेज डाला था व्यू स्कोर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्कोर टू में से टू और यहाँ पर करेक्ट आंसर जिस तरह से बच्चे को स्कोर भी शो हो जाएगा और उनका जो करेक्ट आंसर्स है वो भी शो हो जाएंगे हाँ अगर आपने करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन नहीं रखा तो बच्चे को नहीं पता लगेगा उसकी गलती क्या है सिर्फ क्रॉस बच के वहाँ पे आ जाएगा और उसको वन में से जीरो स्कोर मिल जाएगा तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस बच्चे को करेक्ट आंसर्स उसके ऑनलाइन क्लास में ही डिस्स लगे। आई होप दिस वीडियो लेक्चर या ट्यूटोरियल वुड बी क्लियर टू यू विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू इन क्रिएटिंग सम ऑनलाइन लेक्चर्स बेसिक डिसएडवांटेज गूगल फॉर्म्स की सिर्फ ये है कि इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली पैराग्राफ्स के आंसर हम नहीं ले सकते क्योंकि सपोज करो मैंने पैराग्राफ़ या शॉर्ट आंसर में कुछ लिखा है मैंने लिखा है शी इज प्लेइंग और आपको लगता है बच्चा यही लिख सकता है शी इज़ प्लेइंग बट अगर मैंने वो कैपिटल में लिख दिया है एक भी उसमें अल्फ़ाबेट या मैंने स्मॉल में लिखा और बच्चे ने कैपिटल में लिख दिया क्योंकि ये तो हम स्पेसिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि, कि कितना कैपिटल कितना स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखने हैं तो उस वे में गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस वजह से पैराग्राफ्स और शॉर्ट uh, आंसर्स के लिए ये सूटेबल नहीं है गूगल फॉर्म्स येस बट एम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पर हम बच्चों की टेस्टिंग कर सकते हैं कि उनको कितना चैप्टर समझ आया है ठीक है उन को बैक क्वेश्चन ही अगर आप अकेले करवाते हैं तो बैक क्वेश्चन के ही एम बना बना के दे सकते हैं ब्रीफ आंसर्स के एम दे सकते हैं विद uh, इन uh, उनको एटलीस्ट क्लैरिटी होगी आपको भी समझ आ जाएगा कि बच्चे को कितनी क्लैरिटी है चीज़ों की और वैसे भी सी बी एस ई एम सी क्यूज को काफ़ी इनिशिएटिव दे रही है आजकल सीनियर क्लासेस में तो हो ही गया है तो एक तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम इसे यूज़ कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो